हाय वेलकम एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ चिकन रोस्ट विद यूनिक रेसिपी। और आप सबको माशाल्लाह ये पसंद भी आएगा और आप लोग इसको टेस्ट करें। अगर आप लोग मेरा अब हम शुरू करते हैं कॉर्न फ्लोर। कॉर्नफ्लोर मस्टर्ड पाउडर के बाद हमने स्पाइस मिक्स स्पाइस लेमन टू लेमन 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 विनेगर सोया सॉस रेड चिली एग इसको बीट
वन ऐसे टक लगा लेंगे। सबसे पहले हमने इस तरह इसको देखो, फिर टक आने के बाद फिर इसको हम मसाला लगा के रख देंगे। और ये देख ऐसे ऐसे ये टक इसी को लगा रहे हैं ताकि इसके अंदर मसाला चला जाए। ठीक हो गया। अब हमने इसी तरह यहाँ लेग को भी ऐसे टक हम इसी को लगा रहे हैं ताकि ये कच्चा ना लगे, बीच में से मसाला इसके अंदर चला जाए। मसाले का अगर टक नहीं लगाएंगे पक तो फिर भी जाएगा, लेकिन वो बीच में कच्चा भी रह जाता है, सेक नहीं सेकना। और इसको ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है, इसकी लुक भी प्यारी लग रही है, वेरी ब्यूटीफुल, सो नाइस। टू फर्स्ट ऑफ थ्री चुका। अब हमने ये हमारा काम देखो जी, मसाला लगने के बाद ये इनकी शक्ल भी प्यारी हो गई है माशाल्लाह। ये देखें लुक प्यारी। अब इन तीनों रोस्टों को हम रख देते हैं, घंटे बाद फ्राई करते हैं। ठीक हो गया। घंटे बाद कर लें, भुने घंटे बाद कर लें तो ये मसाला इसके अंदर सही रच जाएगा। ठीक है, अब हम इनको रख देते। अब हम शुरू करते हैं कि ये देखें हमारा ऑयल जो है गर्म हो गया। अब हमें इसके अंदर रोस्ट को डालना है इस तरह। ऐसे मसाला लगाओ, हमें रोस्ट को ऐसे इस तरह ये देखिए माशाल्लाह इसकी रंगत भी कितनी प्यारी और खूबसूरत लग रहा है, ब्यूटीफुल माशाल्लाह, सो नाइस ब्यूटीफुल कलर। अब ये देखिए माशाल्लाह इसकी कितनी रंगत प्यारी हो गई है, देखने में खूबसूरत लग रहे हैं। अब ये
देखें ये रोस्ट माशाल्लाह कितने खूबसूरत बने हैं। ये देखें इनकी रंगत देखें क्या ब्यूटीफुल लग रही है माशाल्लाह। लुक इज वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज द ऑयल कढ़ाई इधर किचन। सो यू लुकिंग वेरी वेरी नाइस ब्यूटीफुल लुकिंग।